तुलसीदास जी काशी के पार जाते थे गंगा के सोच, तो जो सोच का पानी बचता तो ऐसे सहज एक पेड़ था उसमें डाल देते, उसमें रहता था भूत। अब वो अपवित्र पानी पीता है तो सोच का अपवित्र पानी पी। ये कई दिन घटना हुई तो वो प्रेत खड़ा हो गए हाथ जोड़ के और कहा आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा आपको। बोले हमने तो आपको पुकारा नहीं, कोई सेवा नहीं की। बोले बहुत बड़ी सेवा बन गई, जो आपके कमंडल में पानी बचता था ना फेंक देते थे ना वही हम पी लेते थे, अब हमको देना चाहते थे। बोले क्या दे सकते हो, हमें तो सियाराम जी के दर्शन चाहिए। बोले इतनी सामर्थ्य उपाय बता देंगे, हो जाएंगे पक्का दर्शन। बोले क्या? बोले जब राम कथा कहते हो उस समय हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, उनके पैर पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देंगे। बोले हम पहचान कैसे पाएंगे कि हनुमान जी आते? तो बोले सबसे पहले कथा में आके बैठ जाते हैं और मलिन भेष है और बूढ़े स्वरूप में आते हैं और सबसे पीछे कथा में प्रणाम करके जाते हैं, जो ऐसा करे वो हनुमान जी होंगे। अब तुलसीदास जी जब भगवान की चर्चा शुरू देखा कि शुरू होने के पहले एक वयोवृद्ध विशाल काय आकर चुपचाप बैठ गए से। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। अशुभ प्रवाह करते हुए भगवान की चर्चा सुनते और जब कथा संपन्न हुई सब चले गए तब वहां के ऐसे रज लेके ऐसे लगाया कि भक्त चरण रज है। सोई गोस्वामी जी दौड़ पड़े, सोई भागे हनुमान जी। तो तुलसी घाट से काफी दूर है संकट मोचन हनुमान जी, वही संकट मोचन हनुमान जी, तो काफी दूर में जाके चरणों के, तो हनुमान जी रुक गए। बोले क्या चाहते हो? तो कहा सियाराम जी के दर्शन। तो कहा यहाँ नहीं चित्रकूट चलो। तो चित्रकूट हनुमान जी लिए आ गए। फिर राजकुमार के रूप में जब राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए चंदन, तो वो लीला। तो देखो प्रेत ने भगवत साक्षात्कार का विधान बना दिया, प्रेत ने भला मंगल किया, महामंगल कर दिया भगवान के दर्शन का साक्षात्कार का।